आम बजट पेश किया गया। आम बजट को लेकर दरभंगा के लोगों को क्या उम्मीद है, आइए हम दरभंगा में हैं और यहाँ के कुछ लोगों से जानेंगे इस बार का जो बजट पेश हुआ इससे कितना संतुष्ट है। इस बजट से हम लोग संतुष्ट नहीं है, ये प्योर ढकोसला है। ये बताइए, अडानी और अंबानी के लिए ये बजट पेश किया गया, महंगाई पे ध्यान नहीं दिया गया, सारे ट्रेन 150 ट्रेन को प्राइवेट कर दिया गया, हॉस्पिटल को प्राइवेट मैंने कर दिया गया है, महंगाई इतनी चरम सीमा पे है उस पर कोई इसका सरकार इसके ऊपर आम बजट के ऊपर कहीं कोई ध्यान नहीं। ये बजट में मैं सिर्फ हम लोग को आशा था जो ये होगा महंगाई पे तो कंट्रोल किया जाएगा, बेरोजगारी पे मैंने ये होगा कंट्रोल होगा, कहीं कुछ नहीं है। ये सारे कॉरपोरेट घराने के लिए ये बजट है, गरीब गुरबा के लिए कहीं कुछ नहीं है। लोग गरीब के पास कैसे दाल रोटी जाएगा वो इसकी कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। देखिए इस बार 2020 का आम बजट पेश किया गया, हमारे साथ कुछ और लोग हैं उनसे जानेंगे इस आम बजट से कितना संतुष्ट है। देखिए जैसे कि बेरोजगारी बढ़ते जा रही है अब और महंगाई भी अपने चरम सीमा पर है, सरकार इसके बारे में सोच बिल्कुल कुछ मतलब ध्यान में नहीं है और महंगाई इतनी चरम है कि देखिए थाली से प्याज गायब हो गई, थाली से प्याज अब क्या कह सकते। हमारे साथ और कुछ दरभंगा के लोग हैं उनसे जानेंगे इस बार का आम बजट से कितना संतुष्ट हैं आप। देखिए आम बजट जो आया है वो बिल्कुल संतुष्ट होने के लिए आया है और ऐसा कह सकते हैं कि जैसे सपनों का सौदागर अपना जो है ख्वाब बेच रहा है, लोगों को सपनों में डुबोने की कोशिश करने के लिए यह सरकार जो है एकदम पूरा सपना दिखाया गया है और ऐसा सपना दिखाया गया है कि ऐसा लग रहा है कि 2024 तक भारत विश्व गुरु बन जाएगा, ऐसा जो है बजट में बताया गया है। लेकिन आप देख सकते हैं कि पिछले 5 साल में भाजपा की ही सरकार रही है, बिहार में देख लीजिए कि एक भी यूनिवर्सिटी खुली है क्या, जो यूनिवर्सिटी है पटना का यूनिवर्सिटी है वो सही से, दरभंगा का जो यूनिवर्सिटी है वो सही से नहीं चल पा रहा है, वहाँ शिक्षक नहीं है और आप वो ख्वाब दिखा रहे हैं कि हम ये यूनिवर्सिटी खोल देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे। देखने में और सुनने में बहुत अच्छा लगा, ऐसा लग रहा था कि सुनते वक्त कि अब बहुत बड़ा ये अब हम लोग जो है विकसित देश में हो गए हैं, अब जो है बहुत बड़ा जो है अमेरिका को टक्कर देगा। लेकिन जो उसके पीछे जो हम देख रहे हैं 5 साल पीछे की इतिहास को अभी हम मिलाएं तो ऐसा लग रहा है कि हम पाकिस्तान से भी पीछे चले जाएंगे। अभी पाकिस्तान में जो हालात हो गई है वह हालात इंडिया में हो गई, जो पाकिस्तान में जो लोग जो बेरोजगारी के चलते वहाँ लोग हथियार उठा रहे थे आज भारत में हो गया है। वहाँ देख लीजिए कि इस बार का बजट में जो है करीब 150-200 ट्रेन जो है सो पीपी मोड पर चलाने की बात कर रहे हैं, इससे कितना संतुष्ट हैं। देखिए सरकार जो है प्राइवेट मोड ही करना चाह रही है, जिस तरह से अंग्रेज प्राइवेट मोड में थे उसी तरह से वो अंग्रेज के नीति पे चल रहे हैं। आप जो भी चीज़ देख लीजिए, एक रेलवे ही नहीं बल्कि रेलवे, स्वास्थ्य, शिक्षा और जो भी चीज़ है इनका एयर हवाई जहाज है उसको भी आप ये बेच रहे हैं। आप दरभंगा स्टेशन का हाल देख लीजिए ना, उनका जो वाशिंग पिट जो है वो प्राइवेट, जो अनाउंसमेंट करने वाले पूछताछ केंद्र वो प्राइवेट, जो टिकट काउंटर है वो टिकट भी प्राइवेट, जो उसमें जो शौचालय वाला है वो प्राइवेट, स्टैंड वो प्राइवेट। अब क्या बच रहा है, धीरे धीरे वो पूरा प्राइवेट कर रहे हैं। वो किसान को आप देख लीजिए, किसान को बोले कि 20 लाख किसान को सोलर प्लेट दिया जाएगा, क्या भारत में 20 लाख ही किसान हैं। लेकिन आप 27,000 करोड़ इंडस्ट्रीज को प्रमोशन के लिए आप दे रहे हैं, लेकिन क्या दे रहे हैं किसान के लिए, आप दे रहे हैं 20 लाख सिर्फ। जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि 125 करोड़ देश में लोग हैं और ये देश कृषि प्रधान देश है, वहाँ आप क्या दे रहे हैं कृषि को, आप कृषि का इंडस्ट्रीज नहीं है। अगर प्याज नहीं उपजा यहाँ जो किसान को बाढ़ के कारण जो है क्षति हुई, तो देखिए आप प्याज 150 रुपये आप खाए, सब लोगों को प्याज का नुकसान हुआ जिसमें लोग जो है काफ़ी परेशान हुए, ये गरीब ही नहीं किसान ही नहीं बल्कि सब लोग परेशान। कुल मिलाके क्या कहेंगे जी इस बजट से कितना संतुष्ट हैं। देखिए बजट जो है ना ये वो कहे ना आपको सपना दिखाने के लिए है, एक सपना का सौदागर जो है जो भारत के लोगों को एक सपना दिखाया है और कुछ नहीं। आप पिछले 5 साल में देख लीजिए ना कि क्या हुआ, एक यूनिवर्सिटी बिहार में नहीं खुला है। इस बजट को लेकर दरभंगा के लोग कहना है सपना के सौदागर वाली हाल है, इस बजट से यहाँ के लोग जो है संतुष्ट नहीं है, इस बजट आम बजट लोगों के लिए हित में नहीं है। गिरीश कुमार, कशिश न्यूज़, दरभंगा।